दिन भर मैं हूं शेखजुई, रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान शिक्षा विभाग ने आज पांचवी और आठवीं का रिजल्ट जारी कर दिया। शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने लैपटॉप पर बटन दबाकर रिजल्ट को जारी किया। पांचवी कक्षा में प्रदेश में कुल 14,35,696 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 13,93,423 परीक्षार्थी पास हुए। कुल परीक्षा परिणाम 97.6% रहा। वहीं पर आठवीं कक्षा में 12,35,800 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 11,97,321 परीक्षार्थी पास हुए। नौतपा के कारण राजस्थान तप रहा है। हालांकि कई जिलों में 1 से 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट देखी गई। 48.4 डिग्री के साथ सीकर का फतेहपुर सबसे गर्म रहा। वहीं पर 48.2 डिग्री सेल्सियस के साथ दूसरे नंबर पर रहा जोधपुर का पलानी। आने वाले समय में अब लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने राजस्थान में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते 31 मई से धूल भरी आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। हवामहल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने आज दोपहर जयपुर पुलिस कमिश्नर बिरजू जॉर्ज जोसेफ से मुलाकात की। विधायक बाल मुकुंद आचार्य को लगातार सोशल मीडिया पर तरह तरह की धमकियां मिल रही है। बुधवार को उनके द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया गया, जिसमें चौड़ा रास्ते के मुख्य बाजार में दीवारों पर लिखे गए देश विरोधी नारे के बारे में जानकारी दी गई। सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो पर भी उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, जिस पर उन्होंने जयपुर पुलिस कमिश्नर बिरजू जॉर्ज जोसेफ से मुलाकात कर इन धमकियों को लेकर शिकायत पत्र दिया। झलावाड़ शहर के मुंडेरी पुलिया क्षेत्र में एक युवक द्वारा कार की छत पर बैठकर स्टंट दिखाने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की जानकारी मीडिया द्वारा झलावाड़ पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आई और युवक की तलाश कर कार्रवाई करने की बात की। सुनिए एसपी ऋचा तोमर ने क्या कुछ कहा। सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी झालावाड़ पुलिस को प्राप्त हुई है कि कोतवाली थाना क्षेत्र के अंदर एक नवयुवक लापरवाही पूर्वक गाड़ी चला रहा है। इस पर जो उचित विधिक प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है और इसमें हम लोग शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के आग्रह पर अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई की तारीख को लेकर संशोधन किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट अबकारी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दाखिल नियमित जमानत याचिका पर 1 जून के बजाय 7 जून को सुनवाई करेगी। हालांकि कोर्ट खराब स्वास्थ्य के आधार पर अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर 7 दिनों की अंतरिम जमानत याचिका पर 1 जून को ही सुनवाई करेगी। दिल्ली में जल संकट को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार ने हरियाणा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। दिल्ली की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में पानी की कमी के मुद्दे पर गुरुवार को एक इमरजेंसी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्य सचिव समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री आतिशी ने कहा, दिल्ली सरकार हरियाणा द्वारा यमुना का दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं छोड़े जाने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। आतिशी ने कहा, दिल्ली सरकार इमरजेंसी उपाय लागू करेगी। पानी के टैंकरों पर नजर रखने के लिए नियंत्रण कक्ष बनाए जाएंगे। पानी की बर्बादी रोकने के लिए 200 प्रवर्तन दल गठित करेगी। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए प्रचार का आखिरी दिन था। आज प्रचार का शोर थम गया। अब घर घर जाकर प्रचार कर सकेंगे प्रत्याशी। 1 जून को वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना। पंजाब के वोटरों को जारी अपील में मनमोहन सिंह ने लोगों से विकास और समावेशी प्रगति के लिए वोट देने और प्रेम शांति भाईचारे को मौका देने की अपील की। उन्होंने कहा कि केवल कांग्रेस ही विकास उन्मुख प्रगतिशील भविष्य सुनिश्चित कर सकती है, जहां लोकतंत्र और संविधान की रक्षा होगी। पूर्व पीएम ने कहा कि पीएम मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सार्वजनिक संवाद और प्रधानमंत्री पद की गंभीरता को कम किया है। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को एक और झटका लगा। अदालत ने उन्हें 10 साल की कैद और 14 लाख रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई। उनके अलावा बरकत अली ठेकेदार को भी सजा सुनाई गई। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने डूंगरपुर मामले में ये सजा सुनाई है। 31 मई को भारत लौटेंगे यौन शोषण का आरोपी जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना। उन्होंने जर्मनी से बेंगलुरु की फ्लाइट बुक की है। सूत्रों के मुताबिक लैंड करते ही एसआईटी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आप सबको रूबरू होंगे। शुक्रिया।